क्या लगता है जिस हिसाब से नींबू का दाम बाकी सब्जियों का दाम इतना बढ़ रहा है, कैसे घर का खर्चा चल रहा है? बहुत भैया महंगाई बहुत है। हाँ। और हम जैसे खर्चा चला लो वो हम जानते हैं ना। हाँ, हाँ। तो इसलिए इसका महंगाई कुछ कम करने के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ, सरकार कुछ करना चाहिए। हाँ, सरकार से कि ये महंगाई बहुत है, महंगाई कुछ बजट कम करे, तो उनसे ये प्रॉब्लम हमारी रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ों पे तो महंगाई है, तो महंगाई तो कुछ कम करेंगे तभी तो हर मंडी वाला भी सामान लेगा। हाँ। गलत नहीं कह रहे। आज क्या लेने आई थी मंडी से? आज हम मंडी से नींबू और कद्दू लेने आए। नींबू लेंगी तब तो बहुत पैसा आपके पास। और क्या और क्या, तो फिलहाल इसको तो कुछ कम कराइए ना, डिस्काउंट दिलवाइए। डिस्काउंट चाहती हैं? यस, इसको डिस्काउंट कराइए, कुछ हमें कुछ प्राप्ति होगी तभी तो पब्लिक लोग खरीदेंगे। तो इसको डिस्काउंट करा के आधा भाव में कुछ करवाइए। अच्छा, घर पे खाना बनाती होंगी, गैस सिलेंडर भी काफ़ी महंगा है। yes. तो क्या लगता है उसका खर्चा कैसे चल रहा है? उसका भी पेमेंट हमें करना पड़ता है, किसी से कन्वेंस लेके तब ही कराना पड़ता है ना। उसको भी कुछ कम कराइए, सरकार से बोलिए मेरी तरफ से कि इसका कुछ डिस्काउंट दिलवाए। डिस्काउंट चाहिए कुछ। yes. तो ये कब तक डिस्काउंट होगा ये बताइए। क्या लगता है सरकार पे क्या कहती है, यहाँ गलती किसकी है, सरकार की है या फिर पब्लिक की है या फिर किसान की है, किसकी गलती है? ये गलती पब्लिक की है। पब्लिक कैसे? क्योंकि किसान जो है बेचारा लाता है और सरकार इतनी महंगाई करे तो वो कैसे बेचेंगे, कैसे खर्चा चलेगा? पब्लिक की गलती कहाँ से? पब्लिक की गलती नहीं, सरकार की गलती है। सरकार की गलती जी। आप इनसे ये बोल दीजिएगा हमारी तरफ से रिक्वेस्ट, कुछ डिस्काउंट चाहिए और पब्लिक को भी कम कराइए तो इंसान लेगा सामान, जितना आप बोल दीजिए। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जिस तरीके से आज मिर्चा नींबू और बाकी भी सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वजह किसको मानते हैं? वजह मैं गवर्नमेंट को मानता हूँ, भारत सरकार को मानता हूँ। जी, महंगाई है, 15 रुपये/100 ग्राम मिर्चा बिक रहा है। पहले फ्री में मिल जाया करता था, फ्री में क्या 10 रुपये/पाव में मिला करता था। बहुत सी सब्जियाँ अगर हम लोग ने ली तो कह देते थे कि नींबू मिर्चा डाल देना। 30 रुपये मिर्चा जो सब्जी लिया वो थैला नहीं भरा। नहीं भरा। देखिए 10 बैग दे, 40 बैग भिंडी है, आधा केजी। अच्छा, एक हाथ में आपके सब्जी है, एक हाथ में हेलमेट है, गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल भी मांग के लाया हूँ। मांग के लाए? हाँ। मेरी साइकिल खराब हो गई थी, गाड़ी मांग के लाया हूँ। साइकिल से वैसे चलते हैं। तो पेट्रोल 105 में चल रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? घर का सिलेंडर 1000 धीरे धीरे पहुँच गया है, तो मतलब चौतरफा मार जो है वो आप मार है, या बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो या खाने के हो या घर का बजट हो, पूरा बिगड़ चुका है महंगाई। अच्छा, सरकार हम रोड पे निकलते हैं देखते हैं सरकार जगह जगह फ्री राशन का पोस्टर लगा रही, फ्री राशन दे भी रही है, क्या मानते हैं कहीं? तो फ्री राशन किसको मिल रहा है? हमको थोड़ी मिल रहा है, जिसका कार्ड बना उसी को मिल रहा है ना, हमें तो मिल नहीं रहा है। गरीबों को मिल रहा है, वो भी खाते भी नहीं, ले जाए दुकान पर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। गवर्नमेंट तो बेवकूफ़ बना रही है, हमने अपनी आंखों देखा कि राशन लेते चावल को वहाँ कंट्रोल में बेच देते हैं दुकानों पे, तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना हुआ। तो चावल नहीं भैया क्या करे, इस तरह हमें नहीं पता था कि मोदी इतनी महंगाई कर देंगे। हाँ। नहीं देते ही नहीं हो। हाँ। हर चीज़ इतना महंगा बता, 200 रुपये किलो तेल, कड़वा तेल, गरीब आदमी क्या खाएगा। अच्छा अम्मा जी, गैस सिलेंडर भी धीरे धीरे 1000 रुपये पहुँच रहा है। बिल्कुल हो गया, हाँ हो गया 1000 रुपये में भैया। कहाँ दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, बाकी तो सब और तो 70 रुपये असूल ले हैं। फ्री राशन क्या दे रहे हैं, नाम करने को फ्री राशन दे रहे हैं? फ्री राशन के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, उससे ज्यादा निचोड़े डाल ले हैं, गरीब आदमी को खा ले रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी नहीं जी। अच्छा, नींबू इस समय देख रहे हैं बहुत महंगा हो गया, ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा, 20 रुपये का 2 नींबू है, कहाँ 2, 4, 5 नींबू मिलते थे, कहाँ नींबू, अब 1 नींबू लो तो सोचना पड़ता है, बहुत महंगाई है भैया। और हम तो जान रहे कि भैया मोदी ने सबने तो दिया, तो हम लोग ने खुद दिया, मगर नहीं पता था कि मतलब इतनी महंगाई हो जाएगी। हाँ। राशन दे के कुछ हल नहीं हो रहा। तो कुछ एक संदेश कहना चाहेंगी मोदी सरकार को, क्या किया जाए? गरीबी हटाए बस, हर चीज सस्ता। हाँ। हर चीज सस्ता होना चाहिए भैया। हाँ। कि गरीब जिए। अरे भाई, उसी हिसाब से मंजूरी और हमारे लोगों के भाई मंजूरी धतूरी करने वाले आदमी 300-400 रुपये में क्या होता है भैया आजकल? कोई सरकारी सर्विस वाला, या तो सरकारी सर्विस दे, सबको सरकारी सर्विस दे, वही पैसा वालों को सरकारी सर्विस है भैया, वो सुख से खा रहे, गरीब आदमी तो मारा जा रहा है। तो इस वक्त हम काफ़ी महंगी सब्जियों के पास खड़े हुए हैं, और आइए जानते हैं कुछ और लोगों से, क्या लगता है भैया जिस तरीके से दाम इतने ज़्यादा महंगाई एकदम से सब्जियों का बढ़ गई है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? कस्टमर्स पे क्या असर आया है, जिस तरीके से आपके पास पहले कस्टमर आते होंगे अब नहीं आते उतने। हाँ। क्योंकि माल कम है। हाँ। इसलिए महंगाई ज़्यादा है। हाँ। जब माल कम होगा, ज़्यादा होगा। हाँ।
तब दाम गिरेंगे, जब माल नहीं होगा दाम तो बढ़ेंगे ही, बस यही बात है। जिस तरीके से ये भी सामने आया है कि अब इंसान वो खा रहा है जो सस्ता है, बल्कि वो नहीं जो अच्छा है, क्या ये बात सही है? अच्छा क्या, उसको खाली पेट भरना है, वो अच्छा देखेगा तो महंगा पड़ेगा, तो जो दो नंबर का माल है वो ले जाता है, उसको तो पेट ही भरना है आदमी, तब काम भी होना चाहिए, तो उसके बाद पैसे आएंगे, जब आदमी बेरोजगार है तो पैसे कहाँ से आएंगे, उसके बाद पैसा भी तो होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग इसकी वजह पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को मान रहे हैं, सब्जियों की भी, क्या लगता है कितना सही है? नहीं नहीं सही तो है ही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं और डेली बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सब्जी पर दाम बढ़ गए, क्योंकि जो बाहर से माल आएगा, जब वो बाहर से माल आएगा तो उसका भाड़ा बढ़ाएगा वो, तो उसका सब्जी पर असर पड़ेगा सीधे, बस सीधा रीज़न यही है उसका। भैया आपको क्या लगता है कस्टमर पर क्या असर आया है, कस्टमर किस तरीके से अब आ रहा है, क्या सामान कैसे ले रहा है, एक किलो अगर लेना है तो पाव भर ही ले रहा है, ऐसा भी बहुत लोग कह रहे हैं। भाई यही बात है, जैसे एक किलो लेना है तो भाई ले लो पाव भर, काम चले किसी तरीके से। महंगाई की वजह से कोई कहाँ खरीद रहा है सब्जी वब्जी ज़्यादा, हाँ, और वहाँ माल मिलता नहीं है, और यहाँ लाओ तो ज़्यादा बिकता भी नहीं है। अच्छा, सरकार को अगर कुछ कहना हो, संदेश देना हो एक शब्द में, क्या कहना चाहेंगे? अभी का भैया बताइए, कुछ चाहते हैं सरकार लगाम लगाए? अरे सरकार कहाँ तक लगाम लगाए, वो कितनी लगाम लगाए, जो है सही करे सरकार, की के ऊपर लोग रोक लगाए, सारा तो सरकार का थोड़ी है, कुछ पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड है, अब क्या करेंगे उसके लिए? पेट्रोल डीजल तो महंगा है ही है, अब वो गाड़ी वाला वहाँ से चलेगा तो सीधा सर उसके ऊपर माल के ऊपर आएगा, क्योंकि उसने माल लादा है, माल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, माल महंगा है, तो सरकार क्या करे, वो भाड़ा बढ़ गया उसका, उतना ही भाड़ा बढ़ता है, आम आदमी की तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, न तो आदमी बेरोजगार आ जाता, बस खाली दाम बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। अब हर आदमी को रोज़गार मिल जाए तो इतनी महंगाई ना रहे, क्योंकि बेरोजगार आदमी ज़्यादा है, बस का बात यही है उसके अंदर। अच्छा, कुछ और लोगों से हम बात करते, क्या लगता है भैया ये जो महंगाई इतनी बढ़ गई है सब्जी उब्जी की, तो आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ेगा, घट गए है कि बढ़ गए है? घट गया आमदनी और क्या, चार रुपए भी आते तो घट गए है, क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं सब सही चल रहा है आपका, तो सब सही चल रहा है, एक रुपए लाख चार रुपए बेच रहे हो, सही है भैया। 20 किलो माल लाओ तो दूसरे दिन रख दो 4 किलो बचा था, वो अति गर्मी है तो का गर्मी में ये जो बचा रहे हो का नाली में फेंका जा रहे हो, कहा कि गड्ढे में फेंक दो, काम खत्म है, फेंक दो, तो महंगाई ना बढ़ गई तो कैसे काम हुई है? और जौन जौन बेचा जाते वो मैं 400 के दिन जाते ग्राहक के, कैसे अगले दिन उम्मीद ना है कि वो बच्ची उसका फेंकेंगे कहीं है, तो उसका क्या करे, जौन ग्राहक आवे 400 के दे हुई है, तो अब ग्राहक क्या करी, वहाँ जाए महंगा महंगा चिल्लाई कि महंगा होगा महंगा होगा, बाकी महंगा हुआ नहीं, वैसे कोई वजह नहीं है, वजह क्या होगा, जो माल सड़ रहा है और वो सब खपत हो रहा है, ये महंगाई बढ़ गए, माल खराब हो गया, अब 50 किलो माल लेके आओ, 10 किलो बेचो, 40 किलो फेंको, तो सब यही तो जाए। तो देखा आपने किस तरीके से कुछ लोग हमें मिले जो ये साफ महंगाई से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हालांकि यहाँ पर मंडी की बात करें या फिर सब्जी लेने वालों की बात करें, तो मिर्चा और नींबू के खासकर बढ़े हुए दामों से जनता काफ़ी परेशान है, गैस सिलेंडर से काफ़ी परेशान है, और जो महंगाई की चौतरफा मार है वो जनता को काफ़ी तेज़ लग रही है, और इस पर ये देखा भी जा रहा है कि अब जनता इस चीज़ से काफ़ी नाखुश है, और वो असर साफ तौर पर सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है।